आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 31 जुलाई सोमवार की शाम है। जुलाई 2023 के अंतिम दिन भर में स्वागत, मैं हूं नितिन ठाकुर। सरकार देखे, चाहे मरना पड़े हम नहीं जाएंगे यहां से। मेवात में निकली ब्रजमंडल यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसा के बाद माहौल काफी टेंस्ड है। आज तक रेडियो रिपोर्टर मौके पर मौजूद थे, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट सुनेंगे। मणिपुर में एक मैतेई भीड़ की दरिंदगी का शिकार हुई महिलाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, लेकिन एडवोकेट कपिल सिब्बल सीबीआई जांच के विरोध में क्यों हैं, ये बताएंगे। उधर यूपी में भाजपा ने नई स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसके बाद विपक्षी खेमे में काफी हलचल है। अंत में एक रिसर्च जिसका दावा है कि वो धरती और इंसानों से जुड़े कई राज खोलती है। आखिर में सुनेंगे भौचक, जिसमें कहानी है आज कानपुर के एक दानी चोर की। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। हरियाणा के नूह जिले में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, भगवा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी की घटना, 2 अगस्त तक इंटरनेट सस्पेंड। नूह के बाद सोहना में भी बवाल और पथराव की खबरें। आज रात 8:30 बजे दोनों गुटों के साथ बैठक करेंगे डेप्यूटी कमिश्नर। मणिपुर से लौटे इंडिया अलायंस के 21 सांसद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। लालू यादव परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच, जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी का एक्शन। कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है दिल्ली सर्विसेज बिल, हंगामे के चलते आज स्थगित हुआ सदन। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले 34 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर, 18 आईएएस ऑफिसर्स का भी हुआ तबादला। महाराष्ट्र में पालघर के पास जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग से 4 की मौत, आरपीएफ जवान ने एएसआई के अलावा 3 लोगों को मारी गोली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर लगाई रोक, 5 अगस्त को भाजपा नेताओं के आवास का घेराव करने का किया था ऐलान। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच चल रही एशेज सीरीज का आखिरी टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, स्टुअर्ट ब्रॉड खेल रहे हैं अपना अंतिम मैच। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच कल, 1-1 से बराबर है श्रृंखला। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। ये बता कर देंगे हरियाणा सरकार, देखे लाइव चल रहा है, ये पर्से कटे चाहे गोलियां खाए, कोई यात्रा का हिंदू यहाँ से जाने वाला नहीं है। आग, धुआं, पथराव, हंगामा और लॉ एंड ऑर्डर मौके से बिल्कुल नदारद, यह हाल हरियाणा के नूह का है, जिसे पहले मेवात कहा जाता था। ये इलाका दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। आज दोपहर से अमन शांति यहाँ जो बेपटरी हुई, तो अब तक माहौल में तनाव कायम है। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस हो या पत्रकार, सबको मौके से हटना पड़ा। पहले भी घंटे आप देख सकते हैं कि हवा में फायरिंग हुई। अब इस समय मैं मानेसर में हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्नो स्टोन पेल्टिंग, पथराव शुरू हो चुका है। ये आवाज आज तक रेडियो रिपोर्टर अनमोल बाली की है। सुनकर अंदाज आपको लग गया होगा कि जान बचाने के लिए लोग कैसे भाग रहे होंगे। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अगुवाई में आज दोपहर ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान दो गुटों में झड़प हो गई, फिर यात्रा पर पथराव हुआ। इसके बाद जो हिंसा शुरू हुई तो फैलती चली गई। सड़क पर निकल आए उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस वाले उन्हें रोकने बढ़े तो पत्थरों की चपेट में आकर घायल हो गए। आम लोगों को भी चोटें पहुंची, जिनकी संख्या अभी तक ठीक से मालूम नहीं है। दूसरे जिलों से पुलिस फोर्स बुलाकर मामला शांत करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन अभी भी भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। जिस प्रकार से इन्होंने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, आप देखें वहाँ आग लगाई गई है, औरतों को, बच्चों को घायल किया गया है, गोलियां चलाई गई है, तो ये साफ लगता है ये इनकी बर्बरता, ये इनकी पाशविकता हर मौके पर दिखाई देती है। चाहे हमारा जुलूस हो, चाहे इनका जुलूस हो, नुकसान हिंदू को झेलना पड़ता है। अब हम तैयार नहीं है, हमारे कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। पूरे जिले में फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है, 2 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद है, जिले की सीमा सील है। नूह की आग बस वहीं तक महदूद नहीं रही, सोहना तक भी पहुंची। यहां भी पुलिस बल तैनात हैं, पथराव की खबरें हैं। हमने आज तक रेडियो रिपोर्टर अनमोल बाली से फिलहाल नूह में कैसे हालात हैं ये जाना। दोपहर के 11 से 1 बजे एक कलश यात्रा, एक यात्रा निकाली गई थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, जो नालेश्वर टेम्पल से निकाली जानी थी और मेवात नूह होते डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो जगह हैं वहां से निकलनी थी।
पर जैसे ही जो यात्रा है मेडिकल चौक की तरफ पहुंचती है, वहां ये देखा जाता है कि पथराव का इंसिडेंट होता है एक कम्युनिटी की जगह से, एक कम्युनिटी के घरों की तरफ से, जिसको देखते हुए जो दूसरी कम्युनिटी थी जो कलश यात्रा निकाल रही थी वो भी भड़क जाते हैं, वो भी स्टोन पेल्टिंग शुरू कर देते हैं। और जैसे ही स्टोन पेल्टिंग शुरू होती है देखा जाता है कि दोनों तरफ से रॉड्स, बल्ले, एक तरफ से, एक पक्ष की तरफ से बंदूक भी लाई जाती है, गन भी लाई जाती है। तो वहां जब हम जाते हैं तो वहां 3 से 4 घंटे एक शॉप में रिफ्यूज लेते हैं क्योंकि बाहर माहौल बहुत खराब था। बट अभी तकरीबन 5 बजे देखा गया कि पुलिस वहां पहुंच जाती है। हरियाणा के होम मिनिस्टर की तरफ से बयान आता है कि पुलिस पहुंचाई जा रही है। और इसी बीच एक खबर और आती है कि जो मंदिर था, नालेश्वर मंदिर था, वहां फायरिंग होती है, वहां 5 से 6 शॉट की फायरिंग होती है। तो हम 3-4 घंटे बाद दुकान से निकलते हैं, दुकान से निकल के हम रोड पे चलते हैं और जो मेन चौक था, मेडिकल चौक था, जहां से सब शुरू हुआ था, वहां के जो हालात हैं बहुत बहुत खराब होते हैं। तकरीबन वहां आसपास हर जगह गाड़ियां, जली हुई गाड़ियां, स्मोक दिखता है, हर कहीं काला धुआं था, टूटे हुए शीशे थे। पिछले 3 साल से यहाँ यात्रा निकाली जा रही है, तीसरा साल था जब ये यात्रा निकाली गई। तो हमने जब लोकल रेजिडेंट लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले 2 साल में कभी भी यात्रा में ऐसा कोई देखा नहीं गया, कोई विघन, दंगा, उपवाद देखा नहीं गया। लोगों की दुकानें भी लूटी गई, एक हमें बताया गया कि कार की एजेंसी भी लूटी गई, उसमें खड़ी हुई कारों को जला भी दिया गया। एक मौका तो ऐसे आया था कि जब मैं अंदर फंसा हुआ था दुकान में और जब मैं मेवात के आसमान की तरफ देख रहा था, सारा आसमान काला हो चुका था चारों तरफ, मैं चाहे पूरा पश्चिम की तरफ देखूं, आगे पीछे देखूं, हर कहीं काला धुआं ही धुआं था। अच्छा अनमोल, जुनैद हत्याकांड में वांटेड मोनू मानेसर का भी इस पूरी घटना में कोई रोल बताया जा रहा है क्या? अभी कुछ दिन पहले मोनू मानेसर, जिस पर इस समय राजस्थान पुलिस भी जिसको ढूंढ रही है, जिस पर एक बहुत बड़ा आरोप भी है कि भरतपुर के 2 मुस्लिम युवाओं को उसने जलाया था, तो उसने एक वीडियो जारी की थी। मोनू मानेसर गौ रक्षक बताता है, बजरंग दल का मेंबर है, तो उसने एक वीडियो जारी की थी जिसमें उसने बोला था कि मैं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, मैं इस यात्रा में आऊंगा। सुबह हम मंदिर गए, हमने मंदिर में बीएचपी के कुछ लीडर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि शांति के माहौल को बरकरार रखने के लिए हमने मोनू मानेसर को बोला है वो ना आए, और कुछ सोर्सेज ने हमें ये भी बताया कि मोनू मानेसर वहां नहीं आएगा। पर अभी बीच में ये भी आवाज उठी थी कि हाँ, मोनू मानेसर वहां था भी, कुछ लोगों ने ये भी बोला, बट ये बात पुष्टि ना पुष्टि की है। पर हाँ, जो मोनू मानेसर के वीडियो के बाद जो देखा गया था कि हाँ, एक माहौल तैयार किया जा रहा था दोनों पक्षों के द्वारा ही, मतलब इसी मेन कन्फ्रंटेशन पॉइंट था जो मेडिकल चौक था, वहां देखा गया कि जो सब था वो एकदम तैयार था दोनों तरफ से ही, कि वहां से भी पत्थर आएंगे, यहां से भी पत्थर आएंगे। जी अनमोल, ये तो देखिए कई दिनों से मालूम था कि यात्रा निकलने वाली है, स्थिति बिगड़ भी सकती है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एहतियाती कदम पहले नहीं उठाए गए? हमारे कुछ सोर्सेज ने, कुछ लोकल सोर्सेज ने हमें पहले ही सुबह बता दिया था हमें कि शायद वहां कुछ बड़ा हो सकता है। तो जहां जो मैंने खुद देखा, मैं उस समय लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, हजारों लोगों के ऊपर सिर्फ वहां 2 पुलिस की जिप्सीज थी जिस पर खुद लोगों ने पथराव किया दोनों तरफ से। जब पथराव हो रहा था वो चौक के, अपना मेडिकल जो चौक है इसकी इस तरफ थी, जिस तरफ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, वो पुलिस की जो संख्या थी वो पर्याप्त नहीं थी। उस समय टोटल देखा गया कि पुलिस अगर वहां होती तो उसी समय सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता था। अगर वहां पुलिस बलों की संख्या उतनी होती जितने वहां दंगाई थे तो हाँ, इस समय ऐसा माहौल ना होता नूह का, और 144 लगाने तक की, सारे प्रशासनिक अमले को ग्राउंड आने तक की नौबत ना होती। जी शुक्रिया अनमोल, अपना ख्याल रखिएगा और आपसे जानकारी लेने के लिए हम आपसे बात करते रहेंगे। विपक्ष अब तक जो मणिपुर के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर्स शेड कर रहे थे, ये अभी स्पष्ट हो गया है, हाँ क्रोकोडाइल टीयर्स ही थे वो। जेन्युइनली मणिपुर के ऊपर चिंता है तो अभी कोई रुकावट होना नहीं चाहिए, सीधा आकर चर्चा करना चाहिए। विपक्ष पर ही हमला है देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का। मणिपुर की हर खबर से अब सब वाकिफ हैं। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। 1 महीने पहले मैतेई समुदाय की एक भीड़ ने महिलाओं के साथ दरिंदगी की थी, जिसका वीडियो कुछ हफ्ते पहले हम सभी ने देखा। आज पीड़ित महिलाओं की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। दोनों पीड़ित महिलाओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं। सिब्बल ने इस घटना की सीबीआई जांच का विरोध किया है। वहीं सभी पीड़ित महिलाओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने मामले में एक हाई पावर कमेटी बनाने की मांग रखी है।
केस की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। सुनवाई की डिटेल्स जानने के लिए हमने बात की आज तक के नेशनल ब्यूरो एडिटर संजय शर्मा से। संजय, सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या किसने कहा, प्लीज थोड़ा विस्तार में बताइए। सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर मामले पर सुनवाई हुई। सबसे बड़ी चीज ये थी कि कोर्ट ने सरकार से बार बार एक ही सवाल पूछा। जब 3 मई को घटना हुई, इन महिलाओं को सरेआम सड़क पर घुमाया गया नग्न अवस्था में, उनके साथ दरिंदगी की गई, उसमें उसकी 0 FIR तक दर्ज करने में शासन को यानी सरकार को 14 दिन क्यों लगे? आखिर 14 दिन सरकार क्या करती रही और उसको नियमित FIR में बदलने में उन्हें 1 महीना लगा। इस पर सरकार लगातार ये कहती रही कि राज्य की स्थिति ऐसी थी और वो इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाएगी और वो कोर्ट को सब कुछ बताएगी, लेकिन उसे लिए कुछ समय दिया जाए, अब इंस्ट्रक्शन लेकर बताएंगे। सॉलिसिटर जनरल का यही जवाब था। इस पर सरकार लगातार ये कहती रही कि जब वीडियो वायरल हुआ उसके 24 घंटे के अंदर 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। कोर्ट का सीधा ये कहना था तो इधर उधर के न बात कर, सिर्फ ये बताओ कि काफिला क्यों लूटा। तो सरकार लगातार इस पर सीधा जवाब देने से बचती रही। कोर्ट का ये कहना था कि वो इस मामले में विस्तृत जांच के लिए कोर्ट एक विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाएगा, हाई लेवल कमेटी बनाएगा, और उस कमेटी की अध्यक्षता अभी तक जो कोर्ट का मानना है उसके मुताबिक तो लग रहा है कि कोई रिटायर्ड जज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होंगे, वो इसकी अगुवाई करेंगे। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जिनके पास समाज के काम और बाकी इन तमाम चीजों की विशेषज्ञता होगी उनको इसका सदस्य बनाया जाएगा और इसे समयबद्ध तरीके से जांच की बात कही जाएगी कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, क्यों हुआ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी होगी, वो अपना काम करेगी और जांच कमेटी अपना काम करेगी। जो पीड़ित महिलाएं हैं 3 मई को जिन्हें सरेआम घुमाया गया था, उन पीड़ित महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। उनका ये कहना है कि उन्हें ना तो मणिपुर पुलिस पर भरोसा है ना ही CBI पर भरोसा है, कोई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। और उनका ये कहना था कि इस मामले की सुनवाई और जांच राज्य के बाहर कराई जाए, मणिपुर में नहीं। और कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना था कि असम पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि उन्होंने अपने एफिडेविट में कहीं नहीं कहा कि वो असम में जांच कराने जा रही है, सुनवाई कराने जा रही, जो ट्रायल होगा वो असम में नहीं। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि कहाँ ट्रायल होना है, कौन सी एजेंसी जांच करेगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट मॉनिटरिंग जांच भी अगर होगी तो उसमें भी उन्हें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा संजय, एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CBI की जांच का तो विरोध किया है, क्या वजह बताई? कपिल सिब्बल दरअसल उन 2 महिलाओं के वकील हैं जिनके साथ ज्यादती और दरिंदगी की गई थी, और कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो देखने से साफ पता चलता है कि पुलिस भी आसपास मौजूद थी। और उनका ये भी कहना था कि हमें जो हमने और मीडिया में रिपोर्ट देखी है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि पुलिस वाले ही उन्हें उस हिंसक भीड़ के सुपुर्द कर आए थे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं जिस पर कोर्ट में खुलकर बातचीत हुई है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई है यानी कल इस मामले में सुनवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कौन कौन सी दलीलें, कौन कौन से तर्क या क्या बहाने लेकर आती है, जिसमें कोर्ट का सबसे मारक सवाल यह है कि आखिर 0 FIR दर्ज करने में घटना के बाद से 14 दिन क्यों लगे, सरकार क्या करती रही, और 0 FIR दर्ज करने के बाद से नियमित FIR दर्ज करने में 1 महीना क्यों लगा, और पहली गिरफ्तारी होने में इतना वक्त क्यों लगा। इसके बारे में ये बहुत असहज करने वाले, सरकार को असहज करने वाले सवाल हैं, लेकिन सरकार ये बताएगी। इसी बीच बांसुरी स्वराज ने तो NGO की तरफ से 2 IA डाली हैं जिसको इंटरवीनिंग एप्लीकेशन बोलते हैं, यानी दखल याचिका, हस्तक्षेप याचिका, जिसमें उन्होंने अपनी दलीलें दी हैं। उनका यह कहना है कि मणिपुर मामले की जांच के लिए कोर्ट जो करे वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी देश में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल में ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है पंचायत चुनावों के दौरान, जिसमें महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है। तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरल, उसमें भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लिहाजा कोर्ट को चाहिए कि वो इनकी भी जांच के लिए आदेश करे और इनकी जांच के लिए भी कुछ उपाय करे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए मालूम है कि ये गंभीर और संवेदनशील मसला है, लेकिन फिलहाल अभी समय की मांग है कि जो जरूरत है वो मणिपुर के मामले में अभी तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। लिहाजा इन मामलों को बाद में देखा जा सकता है, लेकिन पहले जरूरी है कि प्रायोरिटी के आधार पर मणिपुर का मामला सुना जाए।
जी, मेरा आखिरी सवाल है, एक तरफ एसआईटी जांच की मांग उठी, दूसरी तरफ इंदिरा जयसिंह कह रही कि हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए, तो इस केस के लिहाज से अब आगे क्या होगा? आगे का प्रोसीजर ये है कि मंगलवार को इस मामले में सुनवाई है, दोपहर भोजनावकाश के बाद कोर्ट बैठेगा और ये चीफ जस्टिस की अगुवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इनकी तीन जजों की पीठ इस मामले में 2 बजे सुनवाई के लिए बैठेगी और उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या करती है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अब तक आपने इसमें कितनी एफआईआर दर्ज की हैं, तो ये सरकार की तरफ से कि अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर बाद में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 6,000 से ज्यादा एफआईआर हमने दर्ज की हैं, जिसमें कई 0 FIR हैं जिनको कन्वर्ट किया गया। कोर्ट ने ये कहा है कि क्या आपने अभी तक स्क्रूटनाइज किया है कि कितनी एफआईआर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित हैं, कितनी एफआईआर आगजनी और जानलेवा हमले और हत्या से संबंधित हैं? तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो इस मामले में अलग अलग छटनी करके और सूचीबद्ध ढंग से बताए कि इन 6,000 से ज्यादा एफआईआर में कितनी एफआईआर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित हैं और कितने जान माल के नुकसान से संबंधित हैं। तो वो सारा बताना पड़ेगा सरकार को और ये भी बताना पड़ेगा कि वहाँ राहत कैंपों में रह रहे लोगों को लेकर सरकार क्या उनके जो किसी भी मुकदमे के आधार होते हैं CRPC की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान, अभी तक ये प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है और आगे शुरू की जानी है तो किस तरह से की जानी है, उसका सारा ब्यौरा सरकार से मांगा है। इसमें केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार दोनों को ये जवाब देने हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। यूपी में इसी तर्ज पर भाजपा का कारवां बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जाने वाला चाहे जिस पार्टी का हो, मंजिल सबकी भाजपा है। कुछ दिन पहले सपा के कुछ पूर्व विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हुए थे, इनमें जौनपुर से सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर नाम खास था। अब यह भी कहा जा रहा है कि सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल भाजपा में जा सकती है। अटकलें ये भी हैं कि सपा विधायक पूजा पाल 1-2 दिन के अंदर विधिवत तरीके से भाजपा में शामिल होंगी। पूजा पाल वही हैं जिनके पति की हत्या का आरोप 2005 में अतीक अहमद पर लगा था। पिछले लोकसभा चुनाव में NDA को यूपी में 71 सीटें मिली थीं। अब भाजपा इस संख्या को बरकरार रखने में कोई कसर क्यों छोड़ेगी? इसलिए हर वो सिपाही अपने साथ पार्टी जोड़ लेना चाहती है जो इस लड़ाई में उन्हें जीत के करीब ले जाए। बीजेपी की स्ट्रेटजी समझने के लिए हमने लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार अभिषेक से बात की। देखिए, बीजेपी ने 2022 से सबक लिया है। दरअसल अगर देखें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को लगभग 37% वोट मिले और बीजेपी को लगता है कि अगर 2024 में 37% समाजवादी पार्टी गठबंधन का और अगर 12% बसपा के वोटर्स का अगर कहीं गठबंधन हुआ तो उनको भारी न पड़ जाए। दूसरी बात, बीजेपी को 2022 में जो नुकसान हुआ है, दरअसल कई पॉकेट्स में जो अलग अलग प्रभावशाली नेता रहे हैं, खास करके अपनी अपनी बिरादरियों के, उनके समाजवादी पार्टी में जाने और उनके अपने वोट को ट्रांसफर करने के फैसले की वजह से हुआ या ट्रांसफर करा लेने की वजह से हुआ। ऐसे में बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर ये बनाया है, अपनी रणनीति बनाई है कि वो जो प्रभावशाली नेता हैं, जो प्रभावशाली दल हैं, खास करके बिरादरियों को, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। और यही वजह है कि आप देखें तो बीजेपी ने सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को सपा से तोड़ा, अपने साथ लेकर के आई है। इसके अलावा कुछ और जो ऐसे छोटे सामाजिक समूहों के नेता हैं, जिसमें प्रेमचंद बिंद है, इस तरह के लोगों को बीजेपी ने ऑलमोस्ट मना लिया है, वो आने वाले दिनों में उसके साथ हो सकते हैं। महान दल से भी उसकी बात चल रही है, लेकिन अभी हाल के दिनों में, पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो 2 नाम बहुत तेजी से चर्चा में आए। एक पूजा पाल का, जो कि चायल से विधायक है, राजू पाल जो कि BST के विधायक हुआ करते थे, उनके उनकी हत्या के बाद से ये पॉलिटिक्स में आई, और समाजवादी पार्टी के वो फिलहाल विधायक हैं। बीजेपी ने पूजा पाल से संपर्क किया था और पूजा पाल भी भाजपा आना चाहती थी, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। पिछले 2-3 दिनों से जब से ये खबर उड़ी है तब से पूजा पाल ने खुद को मीडिया से दूर रखा हुआ है, या यूं कहें कि उन्होंने अनरीचेबल किया हुआ है। तो एक जो आशंका है वो ये कि पूजा पाल कभी भी भाजपा आ सकती है। उनके बीजेपी में आने या बीजेपी को उनको लुभाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाल बिरादरी के वोट हैं ये बड़ी तादाद में है, और ये अगर आप मिर्जापुर से शुरू करें तो मिर्जापुर से लेकर के पूरा वो कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ तक का जो इलाका है,
इस इलाके में पालों की तादाद अच्छी है और साथ साथ इनका प्रभाव है। इसके अलावा ये जो वोटर वर्ग है ये कानपुर तक इनकी 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 तादाद होती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी भी एक बड़ा नेता पाल का बिरादरी का अपने पास चाहती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दूसरा नाम चला इंद्रजीत सरोज का। हालांकि आज इंद्रजीत सरोज ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। इंद्रजीत सरोज या फिर पाची बिरादरी के और दूसरे नेताओं को बीजेपी तोड़ने की कोशिश में है। उसे लगता है कि दलितों में अगर जो सबसे बड़ा वर्ग है वो जाटवों का है और जाटवों के बाद पासी बिरादरी का है। हालांकि उसके पास अगर देखें तो कौशल किशोर यहाँ मोहनलालगंज से सांसद उसके केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी को फिर भी इस बिरादरी के जिसे कहते हैं शत प्रतिशत वोट मिलना यानी कि मैक्सिमम वोटिंग मिलना वो नहीं मिले और वो सपा के साथ गए। इसलिए बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है कि ऐसी बिरादरियां जो बड़ी तादाद में है जो बीजेपी को वोट कर सकती हैं उनके उन नेताओं को टारगेट किया जाए जिनको की लाया जा सकता है, जिनका अपना वोट बैंक है, जिनकी अपनी अपने बिरादरी में अच्छी पकड़ है और उनके कहने से वोट ट्रांसफर होता है। तो आप देखें ये दो तीन नाम ऐसे हैं जिन पर की बीजेपी की नजर है। इंद्रजीत सरोज ने डिनाई कर दिया है लेकिन पूजा पाल की तरफ से अभी न तो डिनाइल आया है और ना ही ये कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रही है, लेकिन एक बात फैक्ट है कि बीजेपी ऐसे तमाम नेताओं के साथ संपर्क में है। अभिषेक, ये तो आपने भाजपा की बात की, भाजपा राज्य और केंद्र में तो सत्ता में है, उसके पास एडवांटेज भी है, विपक्ष कैसे काउंटर करेगा? देखिए, कोई जाने वाला होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को बहुत कुछ देने की स्थिति में नहीं है तो और बीजेपी अगर बहुत कुछ देने की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी या बसपा चाहकर भी अपने नेताओं को नहीं रोक सकती। 2024 के तौर पर देखें तो 2024 में अखिलेश यादव का गेम भी बहुत बड़ा नहीं है, यानी वो प्रधानमंत्री के रेस में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो नेता हैं वो ये जरूर देख रहे हैं कि आखिर 2024 में क्या होगा, क्योंकि 2027 तक तो उत्तर प्रदेश में कम से कम बीजेपी की सरकार है। और 2024 में अगर बीजेपी जीत कर आती है तो फिर उनके लिए केंद्र में भी संभावनाएं हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो लुभा रही हैं दूसरे नेताओं को, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो ये नेता हैं इतनी आसानी से बीजेपी चले जाएंगे ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि जयंत चौधरी को लेकर के कितनी चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी बिल्कुल अडिग दिखाई दे रहे हैं अपने रुख पर कि वो गठबंधन के साथ कायम है। उसी तरीके से चर्चा इंद्रजीत सरोज की भी हुई, लेकिन इंद्रजीत सरोज ने भी कह दिया कि नहीं, वो 200% सफाई है और वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने तो मायावती तक को इस गठबंधन में आने का ऑफर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्चा मात्र से किसी को नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के पास अभी देने को बहुत कुछ है और वो स्थिति भी समाजवादी पार्टी या विपक्ष के दूसरे दलों की नहीं है कि वो अपने नेताओं को रोकने के लिए, रोके रखने के लिए विचारधारा के अलावा और कुछ दे सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। आज जहां हिमालय पर्वत है, कभी टैथिस नाम का एक सागर होता था। वैज्ञानिकों के लिए यह इलाका हमेशा से दिलचस्पी जगाने वाला रहा है, वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी की बदलती संरचनाओं में मनुष्यों के इतिहास के रहस्य छिपे हैं। फिलहाल कुछ वक्त से भारत और जापान इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। भारत की तरफ से बेंगलुरु का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और जापान की तरफ से निगाटा यूनिवर्सिटी में शामिल हैं। इन लोगों को हिमालय की चट्टानों के बीच करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्री पानी की बूंदें मिली हैं, यानी टैथिस से भी पहले की। पूरी रिपोर्ट प्री कैम्ब्रियन रिसर्च में छापी गई है। दावा है कि इस पानी की मदद से मानव इतिहास की कुछ टूटी श्रृंखलाएं जोड़ी जा सकती हैं। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इस खोज से ये भी पता लगाया जा सकेगा कि धरती पर ऑयल रिजर्व कहां कहां मौजूद है। तो इस रिपोर्ट पर हमने डिटेल में बात की है और वो बात की है आज तक रेडियो के साइंस रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा से। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और जापान की निगाटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की है वो ये बता रही है कि हमारा हिमालय जो है वो पहले समुद्र के नीचे था या वहां पे पहले समुद्र था। अब जब समुद्र की बात आती है तो कहानी ऐसे हो जाती है कि कौन से मिनरल्स वहां पे मौजूद थे उस समय जो आज के समुद्र में नहीं है, या ऐसे मिनरल्स की खोज हमें नए समुद्रों में करनी चाहिए। बेसिक फाइंडिंग ये है कि पहली बात तो ये बता रहे हैं कि हिमालय पे समुद्र था, और सिर्फ हिमालय नहीं, दुनिया के मैक्सिमम पहाड़ों जो अभी पहाड़ विकसित हुए हैं 4 करोड़ साल पहले या 40 करोड़ साल पहले, वो पुराने हों या नए हों, वो पहले समुद्र का ही हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि हमारी धरती पे पहले पानी पानी था और जब महाद्वीप आपस में जुड़े हैं तो जुड़ने की वजह से जमीन में जो फोल्ड बना है उससे ये पहाड़ हुए हैं, चाहे हिमालय हो या यूरोप का एल्प्स हो या अमेरिका का कोई पहाड़ हो। हिमालयों की या पहाड़ों की संरचना कैसे हुई है
और वहां पर पुराने महासागरों की महासागरों के अवशेष हैं कि नहीं, उनका इतिहास पता चल सकता है या नहीं। प्रचीक, इस रिपोर्ट में एंशियंट समुद्र का जिक्र है, अगर ये था तो इनके जगह पहाड़ कैसे आ गए? जब दो बड़े महाद्वीप या जमीन के टुकड़े नीचे से जब टेक्टोनिक प्लेट्स उनकी आपस में टकराती हैं तो ऊपरी सतह जो है वो ऊपर उठती, जब वो पानी के अंदर से पहले, लेकिन जब आपस में ऊपर उठना शुरू होती है तो पानी छट जाता है, नीचे की तरफ चला आता है और ऊपर एक चट्टानी आकृति उठ जाती है। जैसे कभी आप मान लीजिए आप किसी पानी के टब के अंदर कपड़े को डाल करके उसको फोल्ड करें तो कपड़ा ऊपर निकल आता है पानी से और पानी नीचे चला जाता है, तो ठीक इसी तरह से इन पहाड़ों का निर्माण हुआ है और समुद्र जो है वो नीचे चले गए, क्योंकि मिट्टी का हिस्सा जो है और जो परतें हैं मिट्टी की या जमीन की वो ऊपर आती चली गई, इसी वजह से समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती। अच्छा, ये रिसर्च किस तरह पृथ्वी की हिस्ट्री को समझने में मदद करेगी ऋचिक? अभी का जो समुद्र है, महासागर है, उनकी स्टडी लगातार चल रही है, वहां से मिनरल निकाले जा रहे हैं, उनके जीवों का अध्ययन होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, एल्गी हों या मछलियां हों। इसी तरह से प्राचीन समुद्र का अगर पानी मिलता है या वो किसी भी फॉर्म में हो, क्रिस्टल फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, उनकी स्टडी से पता चलेगा किस तरह के मिनरल उस समय थे, किस तरह का रासायनिक मिश्रण था, और वो एसिडिक समुद्र थे मतलब अम्लीय थे या अल्कलाइन थे, क्षारीय थे, या नमक ज्यादा था या नमक नहीं था, साफ पानी के समुद्र थे, उनका इतिहास पता चलता है। इससे ये जानकारी मिलेगी कि भविष्य में जो हमारे नए सागर बने हैं या फ्यूचर में कभी कोई नया सागर बनेगा तो उसकी संरचना किस तरह की हो सकती है। ये संरचना जो है ये रासायनिक होती है, खनिज के हिसाब से होती है, और इससे ये जानकारी भी मिलेगी किस तरह के जीव विकसित हो सकते हैं, वो खतरनाक हो सकते हैं या हमारे खाने पीने के उपयोग में आ सकते हैं, या सिर्फ वो ऐसे जीव होंगे जो सिर्फ समुद्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका किसी तरह का इस्तेमाल इंसान नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋचिक। और अब बारी भौचक की, आ गए हैं जमशेद। एक कहानी है कि एक आदमी गहरे पानी में नाव से कहीं जा रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया, बादल गरजने लगे, बारिश की फुहार होने लगी, तूफान धीरे धीरे तेज होने लगा। दूर तक जमीन दिखाई नहीं दे रही थी, उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है। उसने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा कि ऐ ऊपर वाले, बस आज बचा ले, अगर ये तूफान रुक गया तो मैं अपनी पूरी जायदाद में से आधी धर्म के रास्ते पर लगा दूंगा। इत्तफाक से उसी वक्त बादल गरजने बंद हो गए, हवा रुक गई, हल्की धूप निकल आई। उसने चौंक कर ऊपर देखा और फिर कुछ सोचकर बोला, आधी तो खैर ज्यादा हो जाएगी, 10% दान दे दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा अचानक फिर से बादल गरजे। उस आदमी ने घबरा कर ऊपर देखा और कहा, अब क्या मजाक भी ना करूं। ये कहानी इंसानी जहनियत की सच्चाई बयान करती है। जब तक आदमी के पास पैसा नहीं होता है वो सोचता है कि उसके पास भी होता तो वो भी दान करता, लोगों की मदद करता, लेकिन जब पैसा आता है, जब संपन्नता घेरती है, तो वो और पैसे की लालच में दान नहीं कर पाता। पर कानपुर में एक आदमी ऐसा है जो दान करने के मामले में कमाल का है। ये और बात है कि पेशे से वो चोर है। तो ऐसे ईमान वाले चोर की भौचक कहानी सुनिए। विक्की है नाम और चोरी है काम, लेकिन इनके ईमान के बारे में क्या तारीफ करें कि भाई साहब चैरिटी बहुत करते हैं, बल्कि इतने बड़े दानी हैं कि इन्होंने दान का बाकायदा रेट फिक्स कर रखा है। पूरी ईमानदारी से नियम यह बनाया है कि जितनी भी चोरी करेंगे उसमें से 10% दान कर देंगे, और इसके लिए ये भाई साहब बाकायदा पोटली बनाते थे। कानपुर महानगर में चकेरी पुलिस ने जब इन्हें धरा तो इनके पास से कई पोटली बरामद हुई जो ये धार्मिक कामों के लिए और गरीबों को देते थे। इन पोटलियों के अलावा विक्की चोर के पास से 3,20,000 रुपए भी मिले। डीसीपी शिवाजी शुक्ला ने बताया कि विक्की मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसने चकेरी पुलिस से कहा कि उसने अपने आप से दो वादे किए थे। एक तो ये कि वो चोरी वहीं करेगा जहां सीसीटीवी ना हो, क्योंकि सीसीटीवी का बड़ा लफड़ा रहता है, आदमी उस वक्त तो निकल जाता है, बाद में धर लिया जाता है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये कि वो जितनी भी चोरी करेगा
ईमानदारी से 10% दान कर देगा। विकी का एक उसूल ये भी था कि वो चोरी बिल्कुल अकेले करता था। इस दान धर्म के मामले में वो किसी तरह की मदद नहीं लेता था, बल्कि कभी कभी तो वो काफी रकम दान कर देता था। जैसे पुलिस ने उसके पास से एक पोटली बरामद की जिसमें 10,000 रुपए थे। पूछने पर उसने बताया कि गोविंद नगर में एक आइसक्रीम की दुकान से एक शाम उसने 30,000 रुपए उड़ा लिए और भाग आया। उस रात उसका मन चैरिटी का कुछ ज्यादा था, अंदर से दान धर्म का इरादा था, इसलिए उसने तय किया कि 30,000 में से सीधे 10,000 की एक अलग पोटली बनाएगा और बना भी डाली। फिलहाल विक्की पुलिस की गिरफ्त में है और वो पोटलियां भी जब्त हो गई हैं। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत शुक्रिया जमशेद। और आज सोमवार का दिन है तो नामी गिरामी आता है। इस बार बात हुई है नामी गिरामी में चंद्रशेखर आजाद की, जो जिए तो आजाद थे और मरने तक आजाद ही रहे। सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा नामी गिरामी, साथ ही ये भी कि कैसा लग रहा है दिन भर radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त सचिन द्विवेदी। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिए और आज तक रेडियो सुनते रहिए।